हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने आईपीसी बना लिया, एविडेंस एक्ट बना लिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना लिया, पर ये सब की यूटिलिटी कहाँ है, हम कैसे पहुँचेंगे, ये सब का यूज़ कहाँ है। जब हम अपने कोर्ट जानेंगे कि हमारे कोर्ट हायर की क्या है, हमारे कोर्ट की हमारी कंट्री में हायरार्की क्या है, हमारे कोर्ट की हमारी कंट्री में, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, क्या क्या क्लासेस है हमारे क्रिमिनल कोड की हमारी कंट्री में। अब कंट्री तो हम जानते हैं कि डिवाइडेड है स्टेट में। जो क्रिमिनल सिस्टम जो है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है। दो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, पर स्टेट को भी पावर होती है अपने हिसाब से कुछ रूल्स को मॉडिफाई कर ले, हाई कोर्ट की कंसीडरेशन से कुछ रूल मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने स्टेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं, इसलिए स्टेट अमेंडमेंट अलाउ होते हैं। तो चलिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो कि 1 अप्रैल 1974 से एप्लीकेबल हुआ था हमारी कंट्री में, देखते हैं कि उन्होंने सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है इस कोड में, अपने सेक्शन 6 में किस तरीके से उन्होंने कोड को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट बिसाइड हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट इंस्टीट्यूट अंडर एनी अदर लॉ, दे हैव फोर काइंड ऑफ कोर्ट दे हैव गिवन अंडर 6 अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 6। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो एप्लीकेबल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये बात ध्यान दीजिए आपकी, जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दो तरीके मजिस्ट्रेट दिए हुए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जुडिशरी कंट्रोल में आते हैं, हाई कोर्ट के कंट्रोल में आते हैं। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो स्टेट के कंट्रोल में आते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं, जो कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डिस्चार्ज करते हैं। और ये इसलिए डिवाइड कर दिया गया, पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही दोनों रूल्स वो करने पड़ते थे, फॉलो करने पड़ते थे, रोल करने पड़ते थे जुडिशियल भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सेक्शन 15 आर्टिकल 15 में दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है जुडिशियर की एग्जीक्यूटिव से, तो उस एम को रखते हुए ध्यान में उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के अंदर आते हैं उनके फंक्शन, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की स्टेट के अंदर आते हैं। अब एक चीज गौर करिए, इसमें लिखा हुआ है बिसाइड हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूट एनी अदर लॉ, इसका क्या मतलब है? द कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, वो कोर्ट जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिए हैं उनके अलावा कौन कौन से कोड, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, प्रोटेक्शन एंड केयर 2002, उसमें चिल्ड्रंस कोड दिए हुए हैं, वो कोड भी आते हैं। उनके अलावा ये सारे कोड हैं, न्याय अदालत, पंचायती अदालत, ये सब किसी स्टेट के पंचायती एक्ट में आते हैं, वो कोड अलग, और स्पेशल कोड जो फॉर्म किए जाते हैं जिनका ओरिजिनल एक्सक्लूसिव राइट होता है उस क्लास के केसेस के लिए, ये सब कोड के अलावा ये मैंडेटरी सिस्टम है हायर की हमारे कोर्ट की, एक क्रिमिनल कोर्ट की एक स्टेट में। सेक्शन 7 क्या कहता है? अब कोर्ट हमने हायर की बनाई है तो हमें स्टेट को डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसके बिना टेरिटोरियल डिवीजन के बिना तो चीज़ें होंगी ही नहीं, तो स्टेट ने कैसे डिवाइड किया है? एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीजन, जो स्टेट होगा वो कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन होगा, और एवरी सेशन डिवीजन होगा एक कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिवीजन एंड देन उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट। मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी ए सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैं बताऊंगी क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा वो एक सेपरेट डिवीजन होगा और सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होंगी उसके अंदर। जो स्टेट गवर्नमेंट है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, लिमिट जो है, मतलब कितने नंबर कि डिस्ट्रिक्ट चाहिए, कितना डिवीज़न चाहिए सेशन का हमें, या उनके जो एरिया है वो सब अल्टर कर सकती है, पर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ में, और डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में भी डिवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट जो है, पर विथ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ में वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है। और जो सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीज़न जो स्टेट में थे इस एक्ट के आने से पहले,
वो सारे ही इस एक्ट के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, ऐसा इन्हें वैलिड किया गया है। जब ये एक्ट आया, जो पहले से एग्जिस्टेंस में थे उन्हें वैलिड किया गया है इस एक्ट के आने के बाद। तो आप समझ रहे कैसे डिवाइड किया, स्टेट है, स्टेट में सेशन डिवीज़न है, सेशन डिवीज़न में फिर डिस्ट्रिक्ट के डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट अगर ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न में डिवाइड किया है। तो विथ हाई क्वालिटी कंसल्टेशन के साथ, एक चीज़ ध्यान रखें आपकी दो ही अथॉरिटी है इसमें, एक है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जितने भी डिवीज़न क्रिएट होंगे, बाउंड्रीज होंगी, कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वो स्टेट के द्वारा किए जाएंगे। और जितने भी जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, जजेस उनके राइट्स दिए जाएंगे, उनकी सुपरविजन होगी, वो सब हाई कोर्ट के अंदर आएगी। तो दो अथॉरिटी है, हाई स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से किसी भी स्टेट किसी भी सिटी और टाउन को जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर रही है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, किसी भी सिटी की या टाउन की जो पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट में अगर वो 10 लाख से ऊपर की है तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया बता दिया जाता है, और उसका अलग ही सेशन डिवीज़न होता है और अपना डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 8 में दिया हुआ है CRPC 1973 के। और जब ये कोड जब आया, उसको इफेक्ट दिया गया, तो जो पहले से प्रेसिडेंसी थे बॉम्बे के, कलकत्ता के और अहमदाबाद के, उन्हें मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया था इस कोड के थ्रू। जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन से मेट्रोपॉलिटन का एरिया घटा सकती है, बढ़ा सकती है। अगर वो कोई एरिया घटाती है और उस घटा देती है और उसकी अगर पॉपुलेशन सेम है तो मेट्रोपॉलिटन सारा जो केस पेंडिंग है उस वक्त तक घटाती भी, पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 10 लाख से कम हो जाती है पॉपुलेशन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रह जाता है, पर जो केस उस वक्त तक पेंडिंग थे उन पे, जब डिक्लेयर रिड्यूस किया कोई एरिया, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, जो भी हुआ उस वक्त जो भी केसेस पेंडिंग थे, जो चल रहे थे, वो सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से ही डिसाइड किए जाएंगे। हाँ, आने वाले समय में जो भी केस अब आएंगे वो नॉर्मल कोर्ट की तरह आएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरह नहीं आएंगे। और पॉपुलेशन कैसे लेंगे, पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि किस हिसाब से पॉपुलेशन लेंगे, तो जो लास्ट सेंसस हुआ होगा हमारा, उसमें जितनी पॉपुलेशन उस एरिया की दिखाई जाएगी, उस सिटी और टाउन की दिखाई जाएगी, हम वो मान लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ। तो अपनी हायरकी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्रिमिनल कोर्ट की हायरकी वो ऐसी है कि पहले सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है ऐसे, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट आता है किसी भी स्टेट में। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट या 2-3 कोर्ट स्टेट के मिला के एक हाई कोर्ट होता है, वो स्टेट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट। हमने सेशन डिवीजन किया था स्टेट में, तो सेशन कोर्ट आता है। सेशन कोर्ट जो है वो सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 10 में दिया हुआ है। सेशन कोर्ट, चलिए देखते हैं सेशन कोर्ट क्या है। स्टेट गवर्नमेंट है वो सेशन डिवीजन में सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश करती है। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। इस सेशन कोर्ट में हाई कोर्ट जज अपॉइंट करता है, जो उस पर प्रिसाइड करता है। हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। अब हाई कोर्ट ने सेशन जज का जज अपॉइंट कर दिया, सेशन जज, वो एडिशनल सेशन जज भी कर सकता है अपॉइंट और असिस्टेंट सेशन जज भी कर सकता है। एडिशनल सेशन का जो पावर होती है वो सेशन जज के बराबर ही होती है। वो अगर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कोई स्पेशल चीज़ आ गई, तो एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर देते हैं और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। एक सेशन का जो सेशन जज है वो दूसरे सेशन डिवीजन का भी जज अपॉइंट, एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया जा सकता है। जो भी केस वो डिस्पोज करता है वो उसी पावर में करता है। और जब भी सेशन जज की प्लेस जो है खाली होती, वैकेट होती है, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है उनकी जगह पे। और अगर वो दोनों भी नहीं है या कैपेबल नहीं है, या वो दोनों भी नहीं है असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट कह सकता है कि आप सेशन जज की ड्यूटी जो है वो करिए, डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ सेशन जज, और उनको उस लेवल की उसकी पावर होती है। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली
होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेसेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब जो सेशन जज है वो कहाँ बैठता है, जहाँ पे जो हाई कोर्ट है हमारे स्टेट की, वो नोटिफिकेशन से बताती है कि सेशन जज को यहाँ बैठना है, ये इसकी ऑर्डिनरी प्लेस है, यहाँ पे इसका रेगुलर बिजनेस होगा, जो भी केसेस होंगे यहाँ पे होंगे, वो हाई कोर्ट बताती है कि कहाँ पे सेशन जज बैठेगा। और अगर किसी भी सेशन जज को लगता है कि किसी केस के लिए अच्छी सुनवाई के लिए, अच्छे डिस्चार्ज के लिए कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल बी टेन टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड द विटनेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिविजन, इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस और द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस देयर। अब क्या कहता है कि अगर एक तो बता दिया कि हाईकोर्ट ने बता दिया कि आपको यहाँ बैठना है यहाँ नहीं बैठना है, और उसके बाद अगर किसी जज सेशन जज को लग रहा है कि भाई देखो किसी भी पार्टी की कन्वीनियंस के लिए बहुत जरूरी है, जस्टिस के लिए किसी और जगह पे बैठा जहाँ उनके लिए कन्वीनियंट हो, जहाँ पे उनके विटनेसेस सब आराम से आ सके, मतलब इस रेयर केस में होता है, हर केस में नहीं होता, पर जहाँ पे लगता है एंड ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है, तो वो कहीं और भी बैठ सकता है विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड, वो कहीं और भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा इसमें, देखिए आप कि असिस्टेंट सेशन जज लिखा हुआ है, अब एडिशनल सेशन जज तो वो तो इक्वल होता है सेशन जज के, पर असिस्टेंट सेशन जज होता है उनकी सबऑर्डिनेशन होती है, जितने भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, और जो सेशन जज है फ्रॉम टाइम टू टाइम रूल बनाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए अमंग द जितने भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे उनके बीच आप कौन से बिजनेस देखेंगे, आप कौन सा बिजनेस मतलब क्या देख, आपका क्या एरिया होगा केसेस का, आपका क्या एरिया नहीं होगा, किस कहां से कहां आप देखेंगे, कितने से कितने आप बैठेंगे, तो ये सारे रूल जो है वो सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज के लिए बनाता है, जो असिस्टेंट सेशन जज होता है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होता है। अब चलते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 11 से 15 में दिया हुआ है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 कहता है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मैनी एज कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास एट सच प्लेसेज एज द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जितनी जरूरत है एज पर रिक्वायरमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उतने कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है, बट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, उसके बिना नहीं। नोटिफिकेशन में वो स्पेसिफाई कर देंगे इस एरिया के लिए इतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमें चाहिए फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लिए, हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लीजिए कि हाँ इतने इतने पॉपुलेशन है, इतनी केसेस को पॉपुलेशन को देखते हुए वो फिर उतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं। और ये भी कहते हैं इस सेक्शन में, ये भी कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी स्पेशल किसी लोकल एरिया के लिए स्पेशल कोर्ट बैठानी चाहिए, या फिर किसी स्पेशल क्लास के लिए क्लासेस ऑफ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बैठानी चाहिए, तो वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ में वो बना सकते हैं स्पेशल कोर्ट, और फिर उस एरिया में उस कोर्ट का ही एक्सक्लूसिव राइट होगा और इन कोर्टों में वो नहीं जाएंगे, जो जिस केसेस के लिए जो स्पेशल लोकल एरिया के लिए जो कोर्ट बने हैं स्पेशल कोर्ट बने हैं फिर वो केसेस उन्हीं में ट्रायल होंगे, इस नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल उनकी नहीं होगी। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, मैंने बताया कि सारे अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट करता है और स्टेट गवर्नमेंट सारे कोर्ट को एस्टेब्लिश करता है। द स्टे हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient and necessary, confer the power of judicial magistrate to first class or the second class on any member of the judicial services of the state functioning as judge in a civil court. समझ में आ गया, अब चलते हैं आगे। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नहीं डिवाइड किया जाता है तो सीधे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उसका सबसे हाईएस्ट टॉप पे कौन बैठता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो हाई कोर्ट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है।
और जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल एंड एनी ऑफ द पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड. द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिविजन एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट subject to the control of chief judicial magistrate. Every sub division judicial magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional chief judicial magistrate in the sub division as the court may general or special order may specify in this behalf. To चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में. उसके बाद अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसे सब डिवीजन का जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है और सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बाय अपने स्पेशल ऑर्डर से ही बता सकती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास पे आपकी क्या क्या राइट है, आप उनके अंडर कंट्रोल में आते हैं. ठीक है, अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास. अब जो हाई कोर्ट है, इफ रिक्वेस्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट टू बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास. सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट ए टाइम एज द हाई कोर्ट में बाई जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट. द हाई कोर्ट में इम्पावर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड ए लोकल जुरिडिक्शन. जब कभी भी हाई कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को में रिक्वेस्ट करती है किसी पर्सन पे जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिशियल है या तो उनकी कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है या होल्ड किया हुआ था, उन पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की पावर इम्पावर की जाए उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वेस्ट. और सच मजिस्ट्रेट को हम स्पेशल क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं और वो किसी भी केस में एक साल से ज्यादा की उनकी वैलिडिटी नहीं होगी, उनकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो एक साल से ज्यादा की नहीं होगी जैसा सुप्रीम कोर्ट कहे. अब देखते हैं कि लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओवरऑल कंट्रोल हमेशा याद रखिए कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी स्टेट की है हाई कोर्ट. तो ओवरऑल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में from time to time define the local limits of the area within which the magistrate appointed under section 11 or under section 13, that is section 13 is special judicial magistrate, may exercise all or any of the power which they may expectly be invested under this code. The jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district. Where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 11 or section 13 or section 18 extend to an area beyond the district or the metropolitan area, as the case may be, in which the ordinarily hold the court, any reference in this court to the court of session, judicial magistrate or chief judicial magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within local jurisdiction, be construed unless the context otherwise requires. As a reference to the court of session, chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate, as the case may be, exercising jurisdiction in relation to said district and metropolitan area. देखिए अब इसमें कह रहा है कि ओवरऑल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो टाइम टू टाइम रूल बनाएगा कि किसको जो बिजनेस है वो किसको कैसे डिवाइड किया जाए, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या दिया जाए, किस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को क्या दिया जाए, ये सब कुछ जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, उनके कंट्रोल में आएगा और वो है जो हाई कोर्ट के कंट्रोल में. तो ओवरऑल कंट्रोल है हाई कोर्ट का और बाकी जो बिजनेस का एलोकेशन होती है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रूल्स बनाते हैं. एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज. जो सेशन जज हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं. तो फ्रॉम सबॉर्डिनेटेड टू सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज जुडिशियल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज एंड टू बी सबॉर्डिनेटेड टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर इंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंट विद दिस कोड
एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सेशन कोर्ट के नीचे आता है, ओवरऑल हाई कोर्ट की पावर है, उसके बाद सेशन जज, देन उनके अंडर में आता है एंड अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और स्पेशल जज, वो ओवरऑल जनरल कंट्रोल सेशन जज के आते हैं, पर सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। देखिए ओवरऑल कंट्रोल में क्या होता है कि सुपरविजन कर रहे हैं, पर जो सबॉर्डिनेट जिनके अंडर होंगे वही रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे आपके एलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए, जितने भी रूल होंगे, कैसे ये कोर्ट चलेगी, कैसे चलनी चाहिए, क्या टाइमिंग, जो भी ये सारी चीजें हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। तो देखिए सेक्शन 16 से 19 में सीआरपीसी के ये दिया हुआ है कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये सेम है एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में। बता दें सेक्शन 7 में दिया हुआ था कि जो सेपरेट मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा उसका सेपरेट डिवीजन होगा, सेपरेट डिवीजन होगा, सेम रूल फॉलो होंगे उसमें। एक चीफ जुडिशियल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा जिसकी सेम पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होगी, उनके अंदर वही एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे और असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे। एडिशनल की सेम पावर होगी, जो असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे आएंगे, उनके सबॉर्डिनेशन में आएंगे, उनके कंट्रोल में आएंगे। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास ही होते हैं, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनकी सेम पावर सेम चीज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। सेकंड क्लास इसमें नहीं होती है, इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इक्वल्स टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इक्वल टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं सेम स्टेट, जब हाई कोर्ट को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट करती है किसी भी पर्सन पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कंफर्म की जाए किसी रीजन के लिए, किसी स्पेशल केसेस के लिए, क्लासेस के लिए जो कि जज नहीं है और उनके ड्यूरेशन एक साल ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, तो जो हाई कोर्ट है वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं एक साल के लिए, डिपेंड करता है, और वो सेम स्पेशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट स्पेशल मजिस्ट्रेट जो भी पढ़ा हमने अभी इससे पहले, सेम उनकी वो राइट होती है। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन होते हैं वो सेशन कोर्ट के नीचे होते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर होते हैं, और जितनी भी एलोकेशन होती है वो सब कुछ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही डिवाइड करते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऊपर। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो इंडिया में फॉलो होती है, जिसके लिए सीआरपीसी लाई गई थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत आता है और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद है वो डिवाइडेड है तीन में, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो चीफ मैट्रो जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वो सेक्शन 11 से 15 में दी गई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम डिवाइड करते हैं सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और वो फिर डिवाइड होती है। ये नेसेसरी नहीं है कि हम डिवाइड करें, पर अगर है तो ये हायरार्की मैंने दे रखी है। उसके बाद जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो किस में डिवाइडेड होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसमें आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है दिए हुए हैं, उनके डिवीजन होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।